चंदोसी कोतवाली पुलिस ने जिलाधिकारी के आदेश पर आपराधिक कार्य कर संपत्ति अर्जित करने वाली व्यक्ति की दुकान कुर्क की। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद संभल के चंदोसी कोतवाली क्षेत्र के अक्रूर प्लाजा का है, जहां पर राकेश कुमार निवासी ब्रजनगर सीता रोड की देव गारमेंट्स के नाम से दुकान थी, जो कि राकेश कुमार ने आपराधिक कार्य कर अर्जित की थी, जिसकी कुर्की की कार्यवाही आज जिलाधिकारी अविनाश किशन सिंह के आदेश पर मुनादी करके चंदोसी कोतवाली पुलिस ने पुलिस क्षेत्र अधिकारी अशोक कुमार सिंह व कोतवाली प्रभारी त्रिवेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में की। इस दौरान भारी मात्रा में पुलिस बल भी मौजूद रहा। इस मामले में पुलिस क्षेत्र अधिकारी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि जिला अधिकारी अविनाश किशन सिंह के आदेश पर आपराधिक कार्य कर संपत्ति अर्जित करने वाले अभियुक्त राकेश कुमार के विरुद्ध ये कार्यवाही की गई है। जनता के समक्ष अपराधी राकेश की दुकान जो है अपराध से अर्जित संपत्ति से हासिल की गई थी, तो अभी श्रीमान डी एन मेहता के आदेशानुसार उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों के अनुसार अंकन में सील किया गया है, दी गई है। आज ये यहाँ का अखरूर जी प्लाजा में एक राकेश कुमार की दुकान थी गारमेंट की, और ये गणेश मोहल्ले का रहने वाला है। इसके पूर्व आपराधिक इतिहास है, जो अपराध क्षेत्र में अपना भय आतंक व्याप्त करके पैसा इसने कमाया था, उसी से इसने दुकान खोली थी, और इसी के तहत इसके ऊपर 14 डीएम साहब द्वारा 01 समाज अधिनियम के तहत इसके ऊपर मुकदमा था, उसी के तहत इसकी दुकान की जब्ती कर की कार्रवाई की गई।